हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण लवाट। तो देखिए, आज ये इस तरीके की ड्रेस हम लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। देखिए, इसको पहनाना और इसको बनाना बहुत ही ईजी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके की पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये हैंकी ले लिया है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक का हैंकी है। ये देखिए, इसकी दोनों साइड से सेम मेज़रमेंट है। ये देखिए, दोनों साइड से सेम मेज़रमेंट का हैंकी है। इसको मैं देखिए, एक फोल्ड मैंने किया है यहाँ पर, एक फोल्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल इक्वल्स रखते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे, और एक फोल्ड एक और हम इस साइड से करेंगे। इधर से भी बिल्कुल इक्वल्स रखते हुए फोल्ड हम करेंगे। तो देखिए, बराबर हमने इसको फोल्ड कर लिया दोनों साइड से, इस तरीके से फोल्ड करके इसको हम सेंटर में से इसको कट लगा देंगे। बिल्कुल बराबर रख करके अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसके मैंने दो पार्ट कर लिए हैं, सेम हैंकी के सेम पार्ट कर लिए हैं। अब इसका इस साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से इसकी कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए, इसको इस तरीके से रखेंगे हम, यहाँ से रख करके इसकी इतनी सी कटिंग हम ऊपर के कॉर्नर से कर लेंगे। तो इतना जितना हमने फोल्ड किया है इसको भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए, ये कटिंग भी मैंने यहाँ से निकाल दी है इसकी। वो देखिए, इसको हम दोनों पार्ट्स को उल्टा रखेंगे। उल्टा करने के बाद इसको अंदर की साइड हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इसको सुई धागे की हेल्प से इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट्स पर। तो देखिए, दोनों पार्ट्स पर इस पर मैंने कटिंग को करके अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इतने इतने पार्ट को दोनों साइड से हम यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे। इधर से सिलाई करते हुए हम दोनों साइड पर सिलाई लगा देंगे। देखिए, एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको हम सीधा करेंगे। देखिए, फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके से आएगा। अब इसको, ये नीचे का ड्रेस हमारी रेडी है। अब इसकी हम कैप की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है इसमें से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से इसको मेज़र करके कट कर लेंगे। तो देखिए, कितना साइज़ का हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पर मैं इसको 2 से 2.25 इंच तक मेज़र करके इसकी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारी देखिए 2.25 तक हम इसलिए कट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारा सिलाई में चला जाएगा तो हमारी 2 इंच की कैप बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए, 2.25 इंच पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको मैं उल्टा फोल्ड करके इधर की साइड, एक साइड इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो चलिए, सिलाई लगा देते हैं पहले। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा दी है इस पर। सिलाई लगाने के बाद देखिए, धागा मैंने इसमें कट नहीं किया है, कैप को हम
ड्रेस के देखिए एक साइड पर सेंटर से अटैच करते हुए रखेंगे। देखिए इस तरीके से सेंटर से अटैच करेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने ये पूरी कैप अटैच कर दी है। तो इसी तरीके से हमारी ड्रेस बहुत ही जल्दी बनकर के इस तरीके की तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनकर के आपकी बहुत ही 1-2 मिनट में बनकर के फटाफट से तैयार हो जाती है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ड्रेस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।